टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर बीते दिनों में काफी सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीम की कमान रोहित को सौंप दी जाए या विराट ही बेस्ट कैप्टन है। ये हमेशा से ही चर्चा से ज्यादा बहस का विषय रहा है। तो वहीं क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने वाले पार्थ पटेल ने इस पर बयान दिया है। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 आईपीएल खिताब जीते हैं, जबकि विराट की कप्तानी में आरसीबी ने कोई खिताब नहीं जीता। पार्थ पटेल ने इस पर अपनी राय रखी है कि इन दोनों में से किसे टीम इंडिया का T20 कप्तान होना चाहिए। पटेल ने एक इंटरव्यू में कहा कि रोहित शर्मा ने दिखाया है कि वो टीम को खड़ा कर सकते हैं। उन्होंने हमें दिखाया है कि एक टूर्नामेंट कैसे जीता जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि एक फॉर्मेट की कप्तानी उन्हें देने से कोई नुकसान होगा। इससे विराट कोहली पर भी कुछ प्रेशर कम होगा। रोहित काफी टूर्नामेंट्स जीत चुके हैं और ये देखना मजेदार होगा कि वो दबाव में किस तरह से फैसला लेते हैं। हर सीजन में मुंबई इंडियंस के पास सेटल टीम नहीं होती है, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि वो टीम और खिलाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं और नतीजे भी दे सकते हैं। मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को देखते हुए पार्थिव चाहते हैं कि उन्हें टीम इंडिया की T20 कप्तानी देनी चाहिए। पटेल ने कहा कि मेरे हिसाब से अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए रोहित शर्मा फिट रहते हैं तो उनको टूर्नामेंट में टीम की कमान सौंप दी जानी चाहिए। हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारत के पास कप्तानी के विकल्प हैं। अगर विकल्प नहीं होते तो इस तरह की तुलना भी नहीं होती। देखा जाए तो टीम इंडिया की कप्तानी विराट कर रहे हैं, लेकिन विराट की कप्तानी में भारत आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर सका है। तो वहीं रोहित की कप्तानी में भारत ने एशिया कप को अपने नाम किया था, तो वहीं निदास ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया था।